हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा भाई, दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखो क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 13.5। देखो भाई, इसमें क्या है, वॉल्यूम निकालना है अपने को, क्यूबॉइड का और किसका, क्यूब का। तो क्यूबॉइड और क्यूब का फॉर्मूला सिंपल सा है। क्यूबॉइड का तो वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रेथ हाइट, मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों की, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। और क्यूब का होता है, क्यूब की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी साइड का क्यूब। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मैच बॉक्स, एक माचिस की डब्बी है, मेजर जिसकी मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। तो बोल रहा है भाई उस, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट, एक पैकेट का वॉल्यूम बताओ जिसमें इस तरह के 12 बॉक्स हों। तो इसका एक बॉक्स का निकाल के उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल वॉल्यूम। देखो भाई, पहले मैं माचिस की डब्बी बना लेता हूँ, ये होगी हमारी माचिस की डब्बी, ठीक है। लेंथ कितनी दी हुई है 4, ब्रेथ दी हुई 2.5 और हाइट दी हुई है 1.5। अब वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ अ मैच बॉक्स 4 × 2.5 × 1.5, पॉइंट हटा दो दोनों के, इसका 10 इसका 10, 4 से काटेंगे तो ये हो गया 5 और ये भी हो गया 5, और 5 से 25 कट गया, कितना आ गया वॉल्यूम 15, ठीक है। अब एक का 15 आ गया ना, और हमें ऐसे कितने बॉक्स निकालने हैं 12, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस 15 × 12 कितना आ जाएगा 180, ठीक है। 180 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर इसमें क्या आता है, क्यूब में आएगा, ठीक है ना। एरिया जो है वो स्क्वायर में आता है क्योंकि 2 डायमेंशनल होता है, और वॉल्यूम जो है वो क्यूब में आता है हमेशा क्योंकि ये 3 डायमेंशनल होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर कितनी चीज़ आ जाएगी, और एरिया का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये डब्बा है, ये माचिस की डब्बा है, इस पर हमें पेंट करना है, तो इस, या मतलब ये डब्बा कितने मटेरियल से बना हुआ है, वो तो हो गया एरिया, और इसके अंदर कितना सामान आ सकता है वो हो गया इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सेकंड वाला, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है, एक क्यूबोडियल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, एक क्यूबोडियल वाटर टैंक है जो 6 मीटर लंबा है, 5 मीटर वाइड है और 4.5 मीटर डीप है, हाउ मेनी लीटर ऑफ ए वाटर कैन इट होल्ड, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो पहले हम टैंक बना लेते हैं, ये बना दिया मैंने क्यूबोडियल टैंक, ठीक है, और इसकी 6, ये 5 और ये 4.5, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट दी हुई है हमें। अब हमें क्या निकालना है, पहले तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है, और ये मीटर में है तीनों, तो हमें यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मीटर में नहीं होते तो यूनिट चेंज करनी पड़ती। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबोडियल टैंक कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी 6 × 5 × 4.5, तो पॉइंट हटा देंगे नीचे 10, और 5 × 2 = 10, और 2 से काटेंगे 2 × 3 = 6, और 45 × 3 = 135, ठीक है। इतना क्या हो गया मीटर क्यूब, ये आ गया हमारा वॉल्यूम। अब 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ठीक है, तो इतने मीटर क्यूब इक्वल टू 135 × 1000, तो कितना आ जाएगा 135,000 लीटर, इतनी कैपेसिटी है इस टैंक की, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो भाई, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक क्यूबोडियल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग 8 मीटर वाइड, एक क्यूबोडियल वेसल है जिसकी लेंथ तो है 10 मीटर और चौड़ाई कितनी है 8 मीटर, हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 280 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा है, बस पूछा कुछ और है, अब की बार वॉल्यूम नहीं पूछा हमारे से, वॉल्यूम गिवन दिया हुआ है। ये बना दिया मैंने टैंक, ठीक है, और टैंक का हमें क्या क्या गिवन दिया हुआ है, 10 मीटर तो लॉन्ग है यानी लेंथ 10 मीटर होगी, और वाइड चौड़ा कितना है 8 मीटर,
और हाइट हमारे से पूछी है, हाइट कितनी है ये आपको बतानी है, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है हमारे को, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 280 क्यूबिक मीटर, ठीक है 280 क्यूबिक मीटर, यानी इसके अंदर अगर हम कोई पानी भरेंगे तो कितना हो जाएगा 280 क्यूबिक मीटर पानी आ जाएगा, या जो भी चीज़ आप भरोगे इतना मीटर पानी आ जाएगा। तो सेम वही लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू वॉल्यूम, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, लेंथ होगी हमारी 10, ब्रेथ होगी 8, हाइट हो गई h, और वॉल्यूम कितना है 380 इधर लिखो, और h इज इक्वल टू 380 डिवाइड बाई 10 इंटू 8, तो जीरो से तो जीरो काट दो, फिर पहले 2 से काट दो, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 19 बाई 4 कितना आ रहा है, डिवाइड कर दो 19 को, फोर पॉइंट सेवन फाइव हाइट आ जाएगी हमारी, ठीक है कितनी आ जाएगी 4.75 मीटर। ये हो गया हमारा थर्ड का, थर्ड समझ में आ गया तो फोर्थ पे चलो भाई, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, डिगिंग माने होता है खड्डा खोदना, ठीक है तो बोल रहा है कुछ खोदना है हमें, एक क्यूबोडियल पिट यानी एक क्यूबोडियल टाइप का डिज़ाइन बनाना है इतना जो दिया हुआ है, जिसकी लेंथ ब्रेथ और डीप, डीप में हाइट आ जाएगी अपनी, और एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर क्यूब, तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे और उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो मैं बना देता हूँ इसका भी एक क्यूबोडियल डब्बा पहले, जो हमें ज़मीन के अंदर खुदाई करनी है जिसकी, ठीक है तो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी दी हुई है हमारे को, लेंथ दी हुई है 8 मीटर, फिर ब्रेथ दी हुई है 6 मीटर, और हाइट दी हुई है हमारे को 3 मीटर, और 30 रुपये मीटर के हिसाब से इसका खर्चा लेगा वो, इसको मतलब इस खुदाई का, इसमें से मतलब जितना भी है, ऐसी एक जैसे पानी की टंकी बनाई हो, ठीक है उसमें से रेत निकाला हो, तो इतना रेत निकालने का यानी इसका जो वॉल्यूम है वो निकालने का 1 मीटर क्यूब का, यानी 1 मीटर क्यूब का कितने रुपए लेता है 30, तो इसमें इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वॉल्यूम इक्वल टू 3 × 6 × 8 18 × 8 144 मीटर क्यूब इतना हो गया, ये आ गया हमारा वॉल्यूम। अब इसको हम क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया हमारा 4320 इतने रुपए आ गए, ठीक है तो कॉस्ट कितनी हो गई उसका निकालने का 4320 रुपये हो गए, और वॉल्यूम कितना हो गया 144, इस जो ये अपन ने टैंक की मिट्टी निकाली है वो कितनी होगी 144 मीटर क्यूबिक, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबोडियल टैंक इज 50,000 लीटर, भाई ये कोई टैंक है जिसमें 50,000 लीटर क्या आ जाता है पानी आ जाता है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक, इस टैंक की ब्रेथ निकालनी है इफ इट्स लेंथ एंड डिप्थ आर रिस्पेक्टिवली इतने मीटर। तो देखो पहले तो मैं टैंक बना देता हूँ भाई, वैसे ही ठीक है ये बना दिया हमने टैंक, और टैंक के अंदर कितना लीटर पानी आएगा 50,000 लीटर पानी आएगा, और इसके हमारे को नीचे के डायमेंशंस दिए हुए, लेंथ और डेप्थ, लेंथ होगी ये 2.5 और डेप्थ होती है हाइट, हाइट कितनी दी हुई है हमारे को कहाँ गया 10 मीटर, ठीक है दोनों मीटर में दी हुई है, और ये पूछ रहा है कि भाई इसकी ब्रेथ बताओ हमारे को, ठीक है तो बोल रहा है फाइंड द ब्रेथ, ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, पहले तो ये हमें लीटर दिया हुआ है, लीटर से हम क्या बनाएंगे इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो 1 मीटर क्यूब जो होता है ना वो इक्वल टू होता है 1000 लीटर, ठीक है। अब उल्टा कर देंगे, अगर हमें किसी चीज़ का मीटर क्यूब में बनाना है तो हम उसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हम क्या करते हैं इस 50,000 को 1000 से डिवाइड करके वॉल्यूम बना लेते हैं, 50,000 डिवाइड बाई 1000 इक्वल टू 50 मीटर क्यूब, ये आ गया हमारा वॉल्यूम इस टैंक का, ठीक है इस टैंक का वॉल्यूम आ गया 50 मीटर क्यूब। अब क्या करेंगे हम, वॉल्यूम लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है, और वॉल्यूम कितना आ गया 50, और लेंथ और हमें क्या दिया हुआ हाइट दी हुई ब्रेथ निकालना है, तो ब्रेथ को इधर रखो और
धुंधला बन रहा है। ब्रेथ को इधर रखो, 50 इंटू 50 डिवाइड बाई लेंथ इंटू हाइट, तो 50 लेंथ कितनी हो गई 2.5, हाइट कितनी हो गई 10, तो पॉइंट हटा के ऊपर 10 लिख दो, 10 से तो 10 कट गया, 25 टू द 50, तो ब्रेथ कितनी आ गई हमारी 2 मीटर। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। देखो भी सिक्स क्वेश्चन, ए विलेज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 4000, एक गांव की जनसंख्या है 4000 और हर आदमी को 150 लीटर पानी चाहिए हर रोज का। ठीक है, तो इट हैज़ अ टैंक मेजरिंग, और गांव के अंदर एक टैंक है जिसकी डायमेंशन ये हैं, बोल रहे फॉर हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ द टैंक लास्ट, तो कितने दिन तक वो पानी चलेगा। तो देखो भाई, सबसे पहले तो हम बना लेते हैं टैंक, टैंक के डायमेंशन हमें दिए हुए हैं 20 मीटर 15 मीटर और 6 मीटर और गांव की जनसंख्या है 4000। ठीक है, कितनी जनसंख्या है 4000 गांव की जनसंख्या है और एक आदमी को 150 लीटर पानी चाहिए होता है रोज़ का। ठीक है, तो 15 × 4 = 60, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो इतना लीटर तो चाहिए पानी यानी एक दिन का, तो अब हमें टोटल निकालना है भाई कितने दिन का पानी चाहिए। तो पहले तो इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं, तो डिवाइड करेंगे हम 1000 से, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो 600 मीटर क्यूब, ये हो गया हमारा वॉल्यूम। ठीक है, यानी जितना एक दिन का वॉल्यूम हो गया ये भाई, उस गांव के एक दिन के आदमियों को मतलब, सॉरी भाई क्या हो गया, ठीक है, एक दिन में मतलब आदमियों को कितना पानी चाहिएगा ये उसका वॉल्यूम है, तो एक दिन में चाहिए 600 मीटर क्यूब। अब बोल रहा है इसका पानी कितने दिन चलेगा, तो ये तो हमने एक दिन का निकाल लिया, वन डे का। कैसे निकाला हमने, देखो टोटल 4000 जनसंख्या है, एक आदमी को 150 लीटर पानी चाहिए होता है एक दिन का, तो टोटल इतना पानी चाहिए एक दिन का, और इसको हमने 1000 से डिवाइड करके वॉल्यूम निकाल लिया, यानी 600 मीटर क्यूब वॉल्यूम वाटर जो है वो एक दिन का लग जाता है। अब हम इसका टैंक की कैपेसिटी निकालते हैं, तो टैंक की कैपेसिटी होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इसको मल्टीप्लाई करो, ₹1800 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा टैंक का वॉल्यूम। अब टैंक का पानी कितने दिन चलेगा इससे डिवाइड कर देंगे एक दिन से। ठीक है, तो 1800 को हम 600 से डिवाइड कर देंगे, 6 × 3 = 18, तो 3 डेज तक पानी चलेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, दोबारा रिवाइज कर लो नहीं समझ में आ रहा तो। पहले टैंक के हमें डायमेंशंस दिए हुए हैं और एक आदमी कितना पानी चाहिए, एक आदमी को 150 लीटर पानी चाहिए और गांव में आदमी कितने हैं 4000, तो हमने टोटल पानी निकाल लिया एक दिन का मल्टीप्लाई करके इतना लीटर, फिर हमने लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 1000 लीटर = 1 मीटर क्यूब, तो मैंने इसलिए 1000 से डिवाइड कर दिया, तो इतने मीटर क्यूब हमारा आ गया वॉल्यूम, यानी इतना वॉल्यूम जगह चाहिए एक दिन के पानी के लिए, और टोटल वॉल्यूम कितना है टैंक का, ये आया हमारा डायमेंशन से 1800 मीटर क्यूब, और एक दिन का निकालने के लिए मैंने इसे डिवाइड कर दिया, तो ये पानी कितने दिन चलेगा, ये पानी चलेगा 3 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, ये बोल रहा है एक गोडाउन मेजर 40 मीटर 25 मीटर और 15 मीटर। ठीक है, इतने हमारे को दिए हुए हैं 40, 25 और 15 मीटर गोडाउन का मेजरमेंट दिया हुआ है, तो बोल रहा है इसके अंदर कितने डब्बे आ सकते हैं, इतने मीटर इतने, मतलब ये इतने मीटर का एक डब्बा है और ये पूरा कमरे का या गोडाउन का जो साइज़ है, तो हम क्या करेंगे इसका वॉल्यूम निकालेंगे और एक डब्बे का वॉल्यूम निकालेंगे और आपस में डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चलेगा रूम के अंदर कितने डब्बे आएंगे। देखो और अच्छे से समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक पहले गोडाउन बना लेता हूँ, ये हो गया हमारा गोडाउन, और सपोज करो ये बना लेते मैं एक क्रेट, मान लो ऐसे डब्बे हैं। ठीक है, एक गोडाउन हो गया और एक हो गया हमारे डब्बे। अब गोडाउन का मेजरमेंट हमारे को दिया हुआ है 40, 25 और 15, 40 मीटर 25 मीटर और 15 मीटर, और हमारे को एक डब्बे का वॉल्यूम दिया हुआ है 1.5 मीटर और 1.25 मीटर और 0.5
5 मीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि भाई इस कमरे के अंदर कितने डब्बे आ जाएंगे ये आपको बताना है। तो देखो इसका वॉल्यूम डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा। तो दो तरीके से हो सकता है, या तो हम पहले इसका पूरा वॉल्यूम निकालें और फिर इसका निकालें और डिवाइड कर दें, या फिर हम सीधा कर दें टोटल क्रेट्स जितने आ जाएंगे इन अ रूम। तो पहले बड़े वाले रूम का वॉल्यूम, ठीक है, 40 × 25 × और फिर इस एक क्रेट का वॉल्यूम 1.5 × 1.25 × 0.5। तो मैं 5 का लिख के तो 10 लिख देता हूँ, इसका पॉइंट हटा के 100 लिख देता हूँ, और इसका पॉइंट हटा के वापस से 10 लिख देता हूँ। तो 15 से तो 15 कट गया, ठीक है। 25 5 जा 125 और 8 × 5 = 40 और इस 5 से और काट देते हैं कुछ, 5 × 2 = 10 तो 8 × 2 = 16 और 1 2 3 1 2 3 इतनी क्रेट आ जाएंगी, 16,000 क्रेट आ जाएंगी एक रूम के अंदर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में करना क्या है, तो बहुत आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर एट में क्या बोल रहा है। ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इंटू 8 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम। एक क्यूब है जो 12 सेंटीमीटर का है और उसके कट करके हमें क्या करना है, 8 क्यूब बनाने हैं इक्वल वॉल्यूम के। तो व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब, तो जो नया क्यूब बनेगा छोटा उसके साइड बताने हैं। आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, और उन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो भी निकालना है, ठीक है। देखो भाई एट्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि भाई ये बड़ा वाला क्यूब है जो 12 सेंटीमीटर यानी इसकी साइड है, और इसमें से हमें काट करके 8 क्यूब बनाने हैं, मान लो 8 इस तरह के छोटे क्यूब बनाने हैं, ठीक है। तो बोल रहा है उसकी साइड क्या होगी। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम निकालते हैं 12 × 12 × 12 और इसको फिर हम डिवाइड कर देंगे 8 से, तो एक क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका करता हूँ 2 × 2 = 4 × 2 = 8 तो इसको काट दूंगा तो मैं ये आ जाएंगे 6 × 6 × 6, ठीक है। तो एक वॉल्यूम आ गया ना, यानी 6³ आ गया, इस तरीके से ले सकते हैं, समझ गए। काटने के बाद 6³ आ गया, यानी एक वॉल्यूम में 3 पावर है, तो 6 और 6 और 6 करेंगे तो इस नए क्यूब की साइड क्या हो जाएगी, 6 हो गई ना। देखो समझो इसका वॉल्यूम है जो 12 × 12 × 12 और इसमें से 8 क्यूब बनाने, तो मैंने 8 से डिवाइड कर दिया, 8 में 3 × 2 होते हैं तो मैंने 2 × 2 से काट दिया, तो 6 6 6 3 बार आ गया, तो 6³ होगी। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम, ठीक है, पर मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हमारा नए क्यूब की साइड आ गई ऑटोमेटिक अपने आप ही बिना कुछ किए। तो 6³ किया तो एक साइड कितनी हो गई, 6। तो एक हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। फिर दूसरे पार्ट में बोल रहा है कि भाई इन दोनों का बोल रहा है फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का एक थ्री क्या होता है, 6a² सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब 6a² तो 6a² इसका हो गया और 6a² इसका हो गया। बड़े वाले का मैं कैपिटल ए कर देता हूँ, ठीक है। तो 6 से तो 6 सीधा कट गया, ए स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर और रेशियो में इसका यानी 6 का स्क्वायर। अब क्या करें, 12 × 12 और डिवाइड बाई 6 × 6 तो कितना आ गया, 2 × 2 = 4 4:1 आ गया, ठीक है। तो सरफेस एरिया आ गया हमारा 4:1 और जो साइड है नए क्यूब की वो आ गई 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन चलू है, हाँ क्वेश्चन नंबर 9। देखो भाई एक नदी है, नदी बना देता हूँ पहले, कॉपी में बनाना पॉसिबल नहीं है पर आप मान लेना ये नदी है, ठीक है। और नदी भी इस तरह की, इसको नदी मानना अपने को, यहाँ से और यहाँ तक का हिस्सा ले लेते हैं, मान लो यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है और इधर जा रहा है, या इधर से फ्लो हो रहा है इधर जा रहा है, और ये नदी का बीच का हिस्सा हो गया, हमने एक ले लिया जो हमें निकालना है। अब ये जो नदी का हिस्सा दिया हुआ है इसकी डीपनेस यानी ये कितनी दी हुई है, 3 मीटर और ये चौड़ाई कितनी दी हुई है, 40 मीटर, ठीक है। ये अब लेंथ हमें नहीं दी हुई, लेंथ निकालनी है एक तो हमें। फिर बोल रहा है कि इसमें से जो पानी है ना वो किस स्पीड से फ्लो हो रहा है,
किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है हाउ मच वाटर विल फ्लो इनटू द सी इन अ मिनट, एक मिनट में, वन मिनट में कितना पानी फ्लो हो जाएगा ये निकालना है। तो देखो पहले तो हम क्या करते हैं, एक मिनट में निकालते हैं कि कितनी डिस्टेंस बनती है। तो 2 किलोमीटर के मीटर बनाओ तो 2000 हो गया, और आवर के बना दो मिनट 60, 2 × 3 = 100। तो एक मिनट में कितना हो जाएगा, एक मिनट में डिस्टेंस कवर करेगा 100/3, ठीक है, इतने मीटर। हम इसको फ्रैक्शन में ही रखते हैं, पॉइंट में नहीं निकालते, 33.33 आएगा लेकिन हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लेंथ, यानी 100/3 मीटर। अब बोल रहा है कि कितना पानी इसमें से फ्लो हो जाएगा, तो लेंथ निकाल दी, ब्रेथ और डेप्थ ने समय की बंदी हुई है, तो वॉल्यूम निकाल दो, बस सीधा सा फॉर्मूला, लेंथ ब्रेथ हाइट। लेंथ कितनी होगी 100/3, ब्रेथ 40 और हाइट होगी 3, तो 3 से तो 3 कट गया और आ गया हमारा 4000 m³। इतना वॉल्यूम पानी इसमें से बह जाएगा, और अगर इसको लीटर में निकालना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई 1000, तो इतना लीटर आ जाएगा। अगर लीटर में निकालना है तो लीटर में, मीटर क्यूब में निकालना है तो मीटर क्यूब। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएंगे सारे क्वेश्चन 13.5 एक्सरसाइज के। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए वेट करें, तब तक के लिए धन्यवाद।